दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। अक्सर कई लोगों के जीवन में, कई व्यक्तियों के भीतर बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत चरित्रवान होते हैं, लेकिन केवल एक अवगुण आ जाए, वह अवगुण क्या है हम आज आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहेंगे। और वह एक अवगुण आ गया तब आपके सारे जो गुण हैं, सारी आपने जो दिव्यता रखी हुई है, वह नष्ट हो सकती है। ऐसी क्या वह चीज़ है आज हम इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। और यह कहानी 12वीं सदी के एक बहुत बड़े धर्मशास्त्री रामबेन माइमोनिडीज, जिन्होंने इज़राइल, यूनान, मिस्र आदि देशों में महिलाओं की स्थिति सुधारने में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया था, आज हम उनकी कहानी को चुनकर लाए हैं। और इस कहानी के अनुसार एक महात्मा जी थे। महात्मा जी अपने एक शिष्य के साथ किसी दूसरे शहर जा रहे होते हैं। अब उस शहर में वे एक सराय ढूंढते हैं कि हम कहीं अब एक महीना हमें यहाँ रहना है, हम यहाँ वक्त बिता सकें। उनके महात्मा जी और उनके शिष्य दोनों वहाँ ढूंढते हैं तो एक धर्मशाला मिलती है, और उस पूरे शहर में वह इकलौती धर्मशाला होती है। जब वे धर्मशाला में जाते हैं तो देखते हैं बहुत 7 मंजिला वह धर्मशाला है। जब वे घुसते हैं वहाँ पर, तब वहाँ बताया जाता है कि हर मंजिल पर एक विशाल कक्ष है, आप उसमें से कहीं भी चाहें वहाँ रुक सकते हैं। वह कक्ष किस प्रकार का है, उसकी एक तख्ती, एक बोर्ड भी बाहर की ओर लगी हुई है, आप उसमें चुनाव करके उस कक्ष पे रुक सकते हैं। अब ये महात्मा जी और उनके शिष्य पहले लेवल पर जाते हैं। जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर एक बोर्ड लगा होता है, यह क्रोध, मतलब जो लोग यहाँ क्रोधी हैं वे यहाँ पर रहते हैं। तब महात्मा जी अपने शिष्य को प्रवचन देना चालू करते हैं कि क्रोध सारी समस्याओं की जड़ है, क्रोध से तो हमें दूर ही रहना है, और हम ठहरे महात्मा, हमें क्रोध से तो दूर ही रहना चाहिए, हमें इस कक्ष पे प्रवेश नहीं करना, हमारे लिए यह कक्ष नहीं है। और वे उसे वहाँ क्रोध के बारे में बहुत सारी लंबी चौड़ी प्रवचन देते हुए दूसरे स्तर पर जाते हैं, दूसरे मंजिल पर जाते हैं। दूसरे मंजिल पर जब पहुँचते हैं तब वहाँ पर एक बोर्ड लगी होती है, और वह बोर्ड होती है कि जुए खेलने वाले यहाँ प्रवेश करें। अब महात्मा जी अपने शिष्य को फिर से प्रवचन देना चालू करते हैं कि देखो महाभारत में क्या हुआ, एक जुए ने सारी महाभारत करा दी, युधिष्ठिर जैसे धर्मराज ने अपना सारा राज्य खो दिया, और यह जुए की लत बहुत बुरी होती है। यह जुआ, सट्टा, लॉटरी, इस प्रकार से जो भी धन कमाना चाहता है, जो भी व्यक्ति इस प्रवृत्ति में फंसता है वह फंसता ही चला जाता है। और हम तो ठहरे साधु संन्यासी, हमें इस कक्ष से कोई मतलब होना नहीं चाहिए, चलो तीसरी मंजिल पर चलते हैं। अब महात्मा जी और उनके शिष्य दोनों तीसरी मंजिल पर पहुंचते हैं। जब तीसरी मंजिल पर पहुंचते हैं तो वहां पर जो बोर्ड लगा होता है वह रहता है लोभ। अब महात्मा जी तो ठहरे सन्यासी व्यक्ति, वे फिर अपने शिष्य को प्रवचन देते हैं कि हम तो इन सब चीज़ों से दूर हैं, मोह माया लोभ, हम इससे किंचित प्रभावित भी नहीं होते हैं, यह कक्ष भी हमारे लिए नहीं है, यह तो उन लोगों के लिए है जिनको पैसा पैसा बहुत धन चाहिए होता है, कई चीज़ों का जिनको लोभ होता है, और वे कहते हैं कि हमें ऊपर की मंजिल पर जाना चाहिए, शायद वहाँ हमारे रुकने के लिए कोई व्यवस्था हो। जब वे चौथे मंजिल पर जाते हैं तब वहाँ पर जो बोर्ड लगा होता है वह रहता है पाखंड। पाखंड अर्थात जो आप हैं नहीं वह दिखाने की जो प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं वे पाखंडी कहलाते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं, नकाब कुछ और ओढ़ के उस समाज में रह रहे होते हैं। अब महात्मा जी अपने शिष्य को कहते हैं कि हम तो खुली किताब की तरह यह जीवन बिताते आए हैं, सब कुछ हमारा खुला हुआ है, हम एक शुद्ध चरित्र वाले व्यक्ति हैं, और तुम जानते ही हो यह कक्ष भी हमारे लिए नहीं है। अब वे वहाँ से 5वीं मंजिल पर आते हैं। 5वीं मंजिल पर बोर्ड लगी होती है मदिरा पान करने वाले, विभिन्न प्रकार का नशा करने वाले लोग यहाँ प्रवेश करें। अब महात्मा जी वहीं कहने लगते हैं राम 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 राम, यह तो हमारे लिए हो ही नहीं सकता, हम तो किसी भी प्रकार के नशे का विरोध ही करते हैं, एक नशा आदमी के सोचने समझने की क्षमता को ख़त्म कर देता है, एक आदमी अब विवेकी रहता ही नहीं है, और जो लोग भी नशा करते हैं वे शरीर से तो जाते ही जाते हैं, उनका मानसिक स्तर भी बहुत नीचे गिर जाता है, और यह कक्ष में तो हम देख भी नहीं सकते। वे कहते हैं कि अब हमें 6वीं मंजिल पर जाना चाहिए, शायद वहाँ हमारे लिए रुकने की व्यवस्था हो। तब वे सीढ़ियों से चढ़कर 6वीं मंजिल पर पहुँचते हैं। 6वीं मंजिल पर जब पहुँचते हैं तब वहाँ एक बोर्ड लगी होती है वैश्यावृत्ति करने वाले लोगों के लिए। अब फिर वे प्रवचन देना चालू करते हैं अपने शिष्य को, राम राम राम,
इस चीज से तो हमें दूर ही रहना है, हम अपने चरित्र पर इस तरह का कलंक नहीं लगा सकते। और वे वहां से कई तरह के प्रवचन देते हुए अपने शिष्य को अब सातवीं मंजिल पर ले जाते हैं, यह कहते हुए कि सातवीं मंजिल ही हमारे लिए है, हम जैसे लोगों के लिए सातवीं मंजिल ही सही होगी और वहीं पर देखना हमारे रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था होगी, क्योंकि यह सब तो बुराई के थे, सातवीं मंजिल जरूर अच्छाई वाली होगी। अब जब वहाँ पहुँचते हैं तब वहाँ बोर्ड लगी होती है बुरी संगत में रहने वाले लोगों के लिए। अब महात्मा जी फिर शिष्य को कि यह भी हमारे लिए नहीं है, बुरी संगत तो बताई ही गई है सबसे बुरी होती है, एक अच्छा व्यक्ति भी इसमें खराब हो सकता है अगर उसकी संगत बुरी हो जाए। वे उदाहरण देने लगते हैं कर्ण का और इस तरह की कई चीज़ों का, जो कहते हैं कि किस प्रकार इस तरह से प्रभावित होकर एक अच्छा व्यक्ति भी बुरी संगत में खराब बन जाता है। वे कहते हैं कि जरूर सातवीं मंजिल से ऊपर जाने पर ही, बहुत सारे लोग इतनी ऊपर चढ़ने का हिम्मत नहीं करते होंगे, सातवीं मंजिल के ऊपर ही कोई व्यवस्था होगी हम जैसे लोगों के लिए। अब वे सीढ़ी के माध्यम से जाने लगते हैं, तब वहीं एक द्वारपाल खड़ा होता है और वह कहता है कि ऊपर अब कुछ भी नहीं है, ऊपर खुली हुई छत है, ठंड का मौसम है, आपको वहाँ ठिठुरन हो सकती है, आप ठंड लगकर मर सकते हैं। अब तो यह धर्म संकट हो गया कि अब करें तो क्या करें, छत पर जाकर रहते हैं तो ठंड, ठिठुरती हुई ठंड, वहाँ हमारा तो दम ही मतलब जान ही चली जाएगी, और अगर नीचे किसी कक्ष में रहते हैं तो वह सब तो हमारे लिए है ही नहीं, और इस शहर में अब कोई और सराया है ही नहीं, कोई और धर्मशाला, कोई रुकने की व्यवस्था है ही नहीं, अब क्या करें। बहुत विचार मंथन करने के बाद महात्मा जी अब शिष्य को कहते हैं कि चलो बुरी संगत वाला ही कक्ष जो है हम वहीं चलते हैं, हम तो चरित्र से शुद्ध हैं, हम तो अच्छे काम करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि वहाँ के लोगों को हम अच्छा बनाएं, हम अपनी संगत में उन लोगों को सुधारें। और यह कहते हुए वो इस विशाल कक्ष में प्रवेश करते हैं। कक्ष में जैसे ही प्रवेश करते हैं वहाँ एक और महात्मा जी रहते हैं, और जैसे ही महात्मा जी की दूसरे महात्मा जी से आँख से आँख टकराती है, ऐसा लगता है कि वे जन्म जन्मांतर से संबंधित हों। अब उस महात्मा जी के प्रभाव में ये महात्मा जी भी आ जाते हैं, उन महात्मा जी के प्रभाव में ये महात्मा जी भी आ जाते हैं, लेकिन वे महात्मा जी जो बहुत समय से वहाँ उस कक्ष में थे, उस बुरी संगत के कारण उनके भीतर बहुत सारे अवगुण आ गए थे। अब यह महात्मा जी, ये इसके शिष्य उस महात्मा जी के साथ में समय बिताने लगे, समय समय पर वो महात्मा जी इनको मदिरापान के लिए उकसाते, वे समझाते कि अरे आप इससे नीचे वाले मंजिल में जाएंगे तो वहाँ पर सुंदर सुंदर स्त्रियाँ हैं, आप उसका उपभोग कर सकते हैं, और जीवन क्या है, मजे के लिए ही तो है। महात्मा जी कहते कि नहीं, हमारा चरित्र इस तरह का नहीं है, हम तो ध्यान साधना करने वाले लोग हैं, हमें इन सब से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन 10-15 दिन बीतने के बाद उन महात्मा जी के जो उस सराय में बहुत पहले से थे, बार बार इस तरह की चीज़ें करने पर, और देखते कि वे जाते हैं दूसरे कक्षों में, वहाँ से मजे लेते हुए आते हैं, अठखेलियाँ करते हैं, नशा करते हुए आते हैं, नशे में मदमस्त रहते हैं, बहुत प्रसन्न दिखाई देते हैं, कालांतर में बातों बातों में वे उनके प्रभाव में आ ही जाते हैं और वे दूसरे कक्ष मतलब छठे कक्ष में आ जाते हैं, जो वैश्य वृत्ति वालों के लिए था, और वह एक रात उस वैश्य के साथ में बिता लेते हैं। अब वह वैश्य जो रहती है वह बहुत चतुर रहती है, वह महात्मा जी को समझ जाते हैं कि इनके भीतर कोई बल है, कोई तेज है, और वह उनको पूरी तरह से उनके उस बल को लेने की पूरी कोशिश करती है, उनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाती है। अब यह महात्मा जी वहाँ पर समय गुजारने लगते हैं, धीरे धीरे वह वैश्या इनको मदिरा पान के लिए भी तैयार कर लेती है, और फिर वे वैश्या और ये महात्मा जी, दूसरे महात्मा जी और इनके शिष्य, अभी तक वह शिष्य वैश्य वृत्ति वाले कक्ष में भी जाकर उसने उस प्रकार की कोई हरकत नहीं की, उसने अपने चरित्र को बनाए रखा था। जब वे मदिरा पान वाले कक्ष में जाते हैं तब भी वहाँ वो शिष्य मदिरा को ग्रहण नहीं करता, लेकिन उस वैश्या की सुंदरता के प्रभाव में आकर यह महात्मा जी जो शिष्य के गुरु थे वह मदिरा पान भी करने लगते हैं। अब मदिरा पान करना ही चालू करते हैं कि उनका विवेक खोने लगता है, वे और मदिरा पान करते हैं, अब उनका विवेक पूरी तरह से खत्म हो जाता है, अब उनके सोचने समझने की कोई क्षमता ही नहीं रहती है, अब वे बाकी के कक्षों में भी आने जाने लगते हैं, एक तरह से अब उनका चरित्र भी पाखंड वाला बनने लगता है, वे शराब पीकर वैश्यावृत्ति कर एक तरह से पाखंडी व्यक्ति भी हो जाते हैं, क्योंकि जब वे लोगों से बातचीत करते हैं तब बताते हैं कि मैं ऐसा मैं वैसा, लेकिन उनका शिष्य उन्हें आगाह करता है कि महात्मा जी आपने कल वैश्या के साथ रात बिताई, कल आपने मदिरा भी पान किया, तब वे महात्मा जी कहते हैं कि ऐसा ऐसा मेरे से कैसे हो गया,
लेकिन अब आदत लग चुकी थी। अब यह शिष्य कई बार सावधान करता, लेकिन महात्मा जी को अब नई चीज में रस आ गया था। जो उस महात्मा जी से उनकी जो संगत हुई, उसके प्रभाव में आकर अब वे वैश्यावृत्ति भी करने लगे, वे मदिरापान भी करने लगे। अब धीरे धीरे उनके भीतर इस वैश्य के साथ रहते रहते लोभ भी उत्पन्न होने लगा, क्योंकि जो महात्मा जी अब उनके मित्र बन चुके थे वो बहुत लोभी किस्म के हो चुके थे। उन्हें धन से मतलब होता था। वे उन्हें कहते कि चलो कुछ जुए की बाजी लगा आते हैं, दांव लग गया तो एक बार में हम अमीर बन जाएंगे। अब वे लोभी के कक्ष होते हुए लोभी के विशाल कक्ष में आने लगे, वहाँ से लोभ उत्पन्न होने लगा, वे जुए पे भी जाने लगे। अब वे जुए में बहुत सारा समय बिताने लगे। कालांतर में इनका पूरा चरित्र, उनका पूरा तेज जो उन्होंने साधना और ध्यान से प्राप्त की थी, वह धीरे धीरे खत्म हो गया। वे बहुत क्षीण बली हो गए। उनके भीतर क्रोध उत्पन्न होने लगा, वे चिड़चिड़ाने लगे। वे हर समय चिड़चिड़ाए हुए रहते, वे अपने शिष्य पर चिड़चिड़ाते। अंत में जब उनके पास कुछ भी नहीं रहा और जाने को अब 10-15 दिन ही बचे थे, तब उन्हें उस क्रोध वाले कक्ष में फेंक दिया गया। अब वे उस क्रोध वाले कक्ष से जब उनके ऊपर ज्वर चढ़ता, तब वे वैश्या वाले कक्ष में चले जाते। जब उन पर ज्वर चढ़ता, वह जुआ वाले कक्ष में चले जाते। और इस तरह से उनका पूरा जीवन अब उस धर्मशाला में ही फंस कर बीत जाता है। दोस्तों, छोटी सी कहानी, लेकिन यह हमें बहुत कुछ सिखाती है कि आप कितने ही चारित्रिक गुण वाले क्यों ना हो, एक अवगुण आपके भीतर आ जाए और वह है आपकी संगत। आप अपना अधिकांश समय किसके साथ बिता रहे हैं, किसके साथ वार्तालाप कर रहे हैं, किन से आप मिलजुल रहे हैं, और उनका असर आप पर बहुत पड़ता है। उनके ऑरा का प्रभाव आप पर पड़ता ही पड़ता है। और व्यक्ति जितना कुकर्मी होगा, जितने बुरे काम करने वाला होगा, उसका ऑरा इस तरह के लोगों को और ज़्यादा क्षीण बली बनाता है, क्योंकि आपकी ऊर्जा को वो चुराने का काम करते हैं। आपकी ऊर्जा चुरा कर उन्हें अच्छा महसूस होता है, लेकिन इस बुरी संगत के कारण आपके भीतर बहुत सारे गुण होते हुए भी कई अवगुण धीरे धीरे आपके भीतर आपको पता भी नहीं चलता है, और यह अवगुण आपके भीतर आने लग जाता है। और आपकी सोचने समझने की क्षमता, आपको कोई गलती बताए तब आप गलती भी आप नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको लगेगा आप जो कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं। तब यह संगत का अवगुण, आपको किनके साथ रहना है, किनके साथ समय बिताना है, यह चुनाव ईश्वर ने आपको यह विवेक दिया है। आपको माता पिता जन्म से मिल जाते हैं, आपको नाथ रिश्तेदार जन्म से मिल जाते हैं कि ये मेरे चाचा, ये मेरे ताऊ, ये मेरी बुआ। लेकिन अगर कोई चीज़ आपके हाथ में है, वह है मित्र का चुनाव। आप किसके साथ ज़्यादा उठते बैठते हैं, किनके विचारों से प्रभावित होते हैं, फिर आप अपनी संगति ऐसे लोगों के साथ रखते हैं जो बुरे काम करते हैं, बुरी वाणी बोलते हैं, तो जाने अनजाने उसका प्रभाव आपके अवचेतन मन पर पड़ता ही पड़ता है। अगर आप उनके साथ में जुड़ रहे हैं, किसी प्रकार की फीलिंग रख रहे हैं, किसी प्रकार का भावनात्मक जुड़ाव रख रहे हैं, उनकी वाणी, उनके अपशब्द आपके अवचेतन मन पर बस जाते हैं। और समय आने पर जब आपको क्रोध आता है, आपका क्षीण बल कम होता है, आपका आत्मबल कम होता है, तब वह अपशब्द आपके मुंह से भी निकल आता है। आप भी क्रोध में आते हैं, भले आप स्थिर चित्त के हों, आप ध्यान साधना करने वाले हों, लेकिन समय समय पर इस संगत के कारण आपके भीतर वह सारे अवगुण आ जाते हैं। जिस प्रकार महात्मा जी का जीवन अच्छे कामों में बीता था, लेकिन एक खराब महात्मा जी के संगत में आने पर वे वैश्यावृत्ति, मदिरापान, जिसकी वे बुराई करते जा रहे थे कि यह अवगुण होता है, इससे यह होता है, वह अपने शिष्य को बताते चले जा रहे थे। अब उस शिष्य ने तो सारी चीज़ ग्रहण कर ली, उसने वह सीख लिया, लेकिन यह महात्मा जी उस महात्मा जी के प्रभाव में आकर एक पाखंडी व्यक्ति बन गए, वह बुरे काम भी करने वाले बन गए। तब आपको संगत पर विशेष ध्यान देना है कि आपका समय कहाँ बीत रहा है, आप किससे जुड़ रहे हैं, किससे आपकी वार्तालाप हो रही है। अब कई लोगों के मन में यह भी प्रश्न आता है कि अब हमारे घर में ही ऐसे लोग हैं, हमारे ऑफिस में ही ऐसे लोग हैं, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ ही इस तरह के लोग हैं, तब हम उनसे कैसे बचें। यहाँ पर उदाहरण मैं आपको कमल के पत्ते का देना चाह रहा हूँ। कमल का पत्ता कीचड़ में हो, पानी में हो, ना तो उस पर कीचड़ लगती है, ना तो वह पानी से गीला होता है, वह जस का तस बना रहता है। अगर आपके घर में, आपके काम करने वाले जगह पर, आपके व्यापार वाले जगह पर, आप जहाँ सराउंडिंग आपके वहाँ पर इस तरह के लोग हैं, तब आपको तो सावधान हो जाने की ज़रूरत है। आपको उनसे प्रभावित नहीं होना है, कोशिश करनी है कम समय में उनसे दूरी हो जाए, उन्हें इग्नोर करना सीखिए, उनसे लंबी वार्तालाप ना हो, उनसे इमोशनल बातें ना हो, उनसे भावनात्मक बातें ना हो, उनसे हृदय की बातें ना हो,
क्योंकि जब भी आप इस तरह का जुड़ाव ऐसे लोगों के साथ रखेंगे, उनकी ऑरा, उनके आभा मंडल का दोष आपके आभा मंडल पर आकर आपके शरीर के चक्रों को अशुद्ध करता है। आपका पहला चक्र, प्रथम चक्र अशुद्ध होना प्रारंभ हो जाता है। तब कैसे करें इग्नोरेंस? आपको अगर बात कर रहे हैं तो ऐसा दिखाइए कि आप बात सुन रहे हैं आप, लेकिन वहाँ प्रभावित नहीं होना है। आप काम कर रहे हैं, ऐसा दिखाइए कि आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन आपको अपना ध्यान अपने पर लगाना है। आपकी जो साधना है, आपका जो चरित्र है, उस पर ध्यान लगाना है, न कि उनके अपशब्दों को आप सीख रहे हैं, उनके कर्मों को सीख रहे हैं, उनकी वाणी को सीख रहे हैं, उनके जैसे क्रोधी हो रहे हैं, यह नहीं। आपका अपना जीवन है, आपका अपना चरित्र है, आपका अपना व्यवहार है, उस पर आपको टिके रहना होगा। फिर ऐसे लोग जो अच्छी संगत वाले हैं, जिनके अंदर अच्छे गुण हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश करनी है। इसीलिए गुरु को अपने जीवन में लाया जाता है, गुरु जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। और ऐसे लोग जो हमारे सराउंडिंग में होते हैं, उनसे प्रभावित नहीं होना है। सुनिए, एक कान से सुनिए, जो चीज़ अच्छी लगती है उसे अपने हृदय में जाने दीजिए, जो बात सही हो। एक गलत चीज़ भी हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। बंद घड़ी भी दिन में दो समय सही समय बताती है, तो ये खराब लोग भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। उनसे वह सीखना है कि ये खराब भी इनको है, इनको अगर कोई पसंद नहीं कर रहा है, इनके भीतर यह बुराई है, यह बुरे काम कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्या हमें नहीं करना है, और उस चीज़ से दूर हो जाइए। अगर वह कोई चीज़ बोल रहे हैं तो उसे सुनने की कोशिश करिए कि क्या यह सही है या गलत है, फिर वहाँ निर्णय लीजिए और उस जो सही है उसे ही अपने अवचेतन मन में जाने दीजिए। और अपना अधिकांश समय पुस्तकों में, अच्छी साधना में, अच्छी चीज़ों को सीखने में लगा दीजिए, वरना एक अवगुण आपके भीतर कई सारे अवगुण ला सकता है। आप कितने ही शुद्ध चरित्र वाले क्यों ना हो, आप भले क्रोधी क्यों ना हो, आपके भीतर जुए की लत ना हो, आपके भीतर लोभ ना हो, आपके भीतर कोई पाखंड ना हो, आप न वेश्यावृत्ति करने वाले लोग हों, न आप मदिरापान करने वाले लोग हों, लेकिन एक मित्र गलत मिल जाए, एक संगत गलत मिल जाए, असंगत हो जाए, तो सब धरा का धरा रह जाएगा। फिर देर नहीं लगेगी आपको वह बुरे काम करते हुए। सूर्य पुत्र कर्ण भी संगत पे आकर उसने कई अधर्म किए, यह संगत का ही असर था। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। इंद्र जैसे देवता का पुत्र होकर भी जो असंयमी था, जिसने बहुत सारे ऐसे कृत्य किए थे जो देवताओं को शोभा नहीं देते हैं, लेकिन कृष्ण का साथ मिलने के कारण अर्जुन इतिहास में, आज पुराणों में एक देवता तुल्य ही माना जाता है। उसके नाम पर अपने पुत्रों के नाम रखे जाते हैं। तब आपको यही निर्णय लेना होगा कि आप अपना समय, अपनी संगत कहाँ पर बिताते हैं। बुरी संगत से दूर हो जाइए, वरना यह अवगुण आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, आपके सारे गुणों को यह समाप्त कर देगा, उसको नष्ट कर देगा।